गंगा को लगता है कि वो सब कुछ जानती है, लेकिन नहीं दाई माँ, वो गलत है। और आप चाहते हैं वो को पार्वती का स्थान दे, ऐसा कभी नहीं होगा दाई माँ। तुम्हें शिव का विश्वास फिर से जीतना होगा। हम गंगा को शिव की अर्धांगिनी कभी नहीं बनने देंगे। आज से हम उस कमरे में नहीं, यही आंगन में रहेंगे। हाँ जी, हमारे ख्याल से इस साल की पूजा शिव भाई साहब और गंगा भाभी को करनी चाहिए। नहीं, वो क्या है कि घर के बड़े बेटे और बहू तो ये दोनों ही हैं। माना कि पिछले 3 साल से शिव भाई साहब नहीं कर रहे थे क्योंकि वो अकेले थे, लेकिन अब तो उनकी पत्नी आ गई है, तो हमें तो लगता है कि महापूजा में शिव भाई साहब और गंगा भाभी को ही बैठना चाहिए। नहीं कुशल जी, इसका कोनो जरूरत नहीं। अब पूजा में हम बैठे हैं या प्रताप, बात तो एक ही, कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी गंगा ही घर में नहीं, उनसे ना हो पाएगा। हम विनती करते हैं कि हमारी काबिलियत पे शक ना किया जाए। मौका तो मिले, हम सब कर लेंगे। सच्ची, हम जानते हैं कि थोड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए, लेकिन हमारी कोशिश में कोई कमी नहीं होगी। हम सारे रीति रिवाजों का बहुत श्रद्धा से पालन करेंगे। बात तो सही है भाई साहब। देखिए, अब हर किसी को एक मौका मिलना चाहिए कोशिश करने का, और कोशिश करे बिना हमें कैसे पता चल सकता है कि इंसान कर सकता है कि नहीं, है ना माजी? झुमकी बहू, दे दो साड़ी, दे दो। इलो। तो ठीक है, इस साल तुमसे करवाते हैं पूजा, लेकिन ध्यान रहे, कोनो गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम माफ नहीं करेंगे। हमारी पार्वती बहू तो जान प्राण लगा देती थी पूजा को सफल करने में। तुम तैयार हो ना? ठीक है, अब तय हो ये गया है कि कौन पूजा करेगा। आओ हमारे साथ, तुमसे कुछ बात करना है। आओ। आज आपके कारण मेरा और मेरे पति का अपमान हुआ गंगा भाभी। अब आप कितने भी हाथ पांव मार लो, आपके इफ्काम में अड़ंगा ना लगाया तो मेरा नाम झुमकी नहीं। ये 3 लाल पोटली दिख रहा है, उमे एक एक में एक एक सुपाड़ी बंधा हुआ है। उस सुपाड़ी शिवरात्रि का पूजा में काम आएगा। तुमको उस सुपाड़ी वहां से उतारना है। ठीक है, अभी ले आते। ऐसे कैसे गंगा, महापूजा का काम कोनू बच्चों का खेल नहीं है। एक एक सुपारी उतारने के लिए तुमको एक एक चुनौती का सामना करना पड़ेगा। जैसे जैसे तुम चुनौती में सफल होती जाओगी, एक एक करके तुम इस सुपारी उतारती जाओगी। याद रखो, पूजा के लिए 3 सुपारी का जरूरत है, और इसलिए तुमको 3 चुनौती में सफल होना जरूरी है। ठीक है, शिव के साथ महापूजा में बैठने के लिए पार्वती को भी ये परीक्षा देनी पड़ी थी, और पार्वती बहू अपना तपस्या से हम सबको चकित की थी। अब देखते हैं कि तुम क्या करती हो। अब सुनो, पहला चुनौती,
मठ में एक बड़का सा खड़ा रखा है, देखियो ना। सुत कुआं से पानी लाकर ऊ मटके को भरना है। मठ में जो यात्री गण, जो साधु संत पधारेंगे, उहे पानी से स्नान करेंगे। उजल बहुते पवित्र माना जाता है, इसलिए उको अपवित्र मत होने देना। मतलब उमे कोई गंदगी, कोई कचरा नहीं पड़ना चाहिए। और वो मटका पूरा ऊपर तक भरना होगा। जो साधु संत पधारेंगे, पहले ही उजल का पूजा करेंगे और उके बाद उसे स्नान करेंगे, समझी? हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू। अब हम देखेंगे कि आप वो मटका कैसे भरेंगे। ये रिया कहाँ रह गई? मठ जाने के लिए सब इसका रास्ता देख रहे हैं। शिव भगवान जी की पुश्तैनी मूर्ति की स्थापना करनी है और ये कि मैं निकल ही रही हूँ, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी, मेरा काम हो जाना चाहिए। हाँ ठीक है। रिया, सब लोग तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहे हैं, तुम यहाँ फोन पे बात कर रही हो, कौन था? अरे मुझे ना बहुत जरूरी काम है, आप सबके साथ जाइए, मैं सीधे मठ पे मिलती हूँ। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ ये भी इसी खानदान से, पूरा खानदान सर फिरा है। शुद्ध सोने की ये मूर्ति लगभग 150 साल पुरानी है। शिव के परदादा ने ये मूर्ति बनवाई थी। पूरे साल इसे तिजोरे में संभाल कर रखा जाता है और शिवरात्रि के दिन इसे बाहर निकालते हैं। अभी इसकी पूजा करके वापस तिजोरी में रखा जाएगा और महापूजा के दिन फिर बाहर निकालेंगे। इस मूर्ति को कुछ समय के लिए यहीं रखना, इसके बाद आप इसे तिजोरी में रख दीजिएगा। जी गुरुजी। जब तक शिव जी का मूर्त यहाँ है, किसी को पहरे पर रखना होगा। अतिथियों के आने से पहले तुमको उघड़ा जल से भरना है, पता है ना? चुमकी बहू। जी माँ जी। गंगा को दिखा दो कि शुद्धि कुआ कहाँ है। जी माँ जी। आइए। यही है वो कुआ। मठ में एक बड़का सा खड़ा रखा है, सुत कुआं से पानी लाकर ऊ मटके को भरना है। पर ये तो मठ से करीब 1 किलोमीटर दूर है, माँ जी ने ये तो नहीं बताया था। अरे माँ जी के पास बहुत सारा काम है, थोड़ा उम्र भी होगी इसलिए भुलक्कड़ हो गई है। आपने वो मठ वाला मटका देखा है, उसमें 50 लीटर पानी भर जाता है। आपको क्या करना है, ये मटका भर के मठ तक जाना है, 10-12 चक्कर लगाने होंगे। अब हम आसान हैं, आप कर लेंगी ना गंगा भाभी? लीजिए लीजिए, चलिए शुरू हो जाइए।
चलते हैं। हाँ प्रणाम, प्रणाम, आइए। हम पहले कभी आपको यहाँ देखे नहीं हैं। आप पहली बार आ रहे हैं कहीं हम मठ में? जी, हमारी टोली पहली बार इस गांव में आई है। लगता है हम लोग कुछ जल्दी आ गए हैं क्या? भगवान के दर्शन के लिए देर का और जल्दी का, आप यहाँ पधारे, यही हमारा सौभाग्य है। शिव, प्रताप, अतिथिगणों को का कमरा में ले जाओ। आप लोग थोड़ा आराम कर लीजिएगा, स्नान का प्रबंध हो रहा है। चलकर जरा घड़ा को देखें, देखते हैं गंगाओं में कितना जल भरी है। जी जी, का है गंगा बहू? हमने पानी भर दिया है, बस एक मटका और डालेंगे और ऊपर तक भर जाएगा। ये तो हम देख ही रहे हैं, पर ये का है? ये देखो, हम कहे थे ना तुमसे, साधु लोग इस जल को पवित्र मानकर पूजा करते हैं और तुम इसमें गंदगी मिला दी। हमें नहीं पता ये कैसे हुआ, कुएं से तो हम साफ पानी लेकर आए। अच्छा हुआ माँ जी के आने से पहले मैंने कचरा डाल दिया मटके में। अब देखती हूँ आपकी जीत कैसे होती है गंगा भाभी। चुमकी जी, माँ जी, ये मटका खाली कर देना तो जरा। हम चलो जल्दी। जी जी। जल्दी करो झुमकी। कर रहे माँ जी। गंगा, अब ये घड़ा 10 मिनट के अंदर भरा जाना चाहिए और कुएं से पानी लाए के लिए जो मटकी इस्तेमाल कर रही हो
वो भी साफ और नया वाला ले जाना। अगर साधु संत के आने से पहले ये काम नहीं हो पाया, समझ लो कि तुम पहला चुनौती में हार गई। ठीक है ना? मट्टी में तो छेद है भाभी जी, अब क्या करेंगे आप? दस मिनट में फिर से वो बड़ा वाला मटका भरना होगा, मैं जल्दी जल्दी करना होगा। क्या हो रहा है? अब क्या करेंगे हम? मटका मटका कैसे भरेंगे? वहां जाकर दूसरी मटकी लेकर आएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और अगर ये काम पूरा नहीं कर पाए हार जाएंगे। तो भरा नहीं होगा भाभी ने, अब पड़ेगी उन्हें डांट। आप सब जल का पूजा कर लीजिए, उसके बाद स्नान कर लीजिएगा। पता नहीं ये गंगा जल भरी भी है कि नहीं। आइए आइए, ये गंगा कहां रह गई? एक मिनट मां जी। एक मटका पानी ज्यादा ले आया, अगर अतिथियों को जरूरत हुई तो होना चाहिए ना। सुखी रहो बेटिया, बहुत चिंता है तुम्हें हम जैसे अतिथियों की। स्नान और पूजा के बाद आप लोग भोजन के लिए आ जाइए, अब सब कुछ तैयार है। तुम्हारी क्ले ने हमें बचा लिया। पंडित जी कहे थे कि थोड़ा देर मूर्ति बाहर रखो, लेकिन हमरे हिसाब से मूर्ति जितना जल्दी अंदर रख दो उतना अच्छा। बहुत पुरानी मूर्ति है, एकदम खरा सोना, 150 साल पुराना है। पूछो, ये मूर्ति अगर हम लोगों के हाथ लग जाए तो हम लोग की जिंदगी सुधर जाएगी। हमें इस मूर्ति को गायब करना है,
जो हम लोग नकली मूर्ति लाए ना, इससे इसको बदल देते हैं। लेकिन उस्ताद, ये काम बहुत समझदारी से करना होगा। तो तिजोरी देख रहे हैं ना, बहुत मजबूत लग रही है। मजबूत से मजबूत तिजोरी को तोड़ने में तेरा उस्ताद माहिर है। बस एक बार अंदर जाने का रास्ता मालूम हो जाए तो ये काम दिन में नहीं हो सकता। इसके लिए हमें रात का इंतजार करना पड़ेगा। जैसे मठ हदीस और उनके घर वाले यहाँ से जाएंगे ना, वैसे ही हम इसके अंदर चले जाएंगे। चलिए मैम। उस्ताद, उस चाबी की जरूरत तो पड़ेगी ना। हम नहीं, इस दरवाजे के अलावा एक खिड़की भी है उस रूम में, हम लोग उससे अंदर जाएंगे। हाँ, काम के चक्कर में हमें रात में जगना है, इसीलिए चलो जल्दी चल के सो जाते हैं। जी उस्ताद। लगता है इस बार ईश्वर भी हमारे साथ है। अभी तो हमारा काम करने के लिए इन लोगों को भेज दिया। भाई साहब को नीचा दिखाने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिल सकता। घर जाकर ये बात माँ को बताता हूँ, खुश हो जाएगी। इस बार हमें कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, बस आराम से बैठकर तमाशा देखना है।